अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपन बात कर रहे हैं पौन मतलब फहाशी, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। चलो, फोटोग्राफी देखना इस्लाम में बेहद बड़ा गुनाह है और ये मोमिन के दिल से ईमान को चुरा लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की शर्मगाह को ना देखे। ये हदीस शौहर और बीवी के लिए नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से हलाल है। ये हदीस बाकी दूसरे इंसानों की तरफ देखने से मना करती है। ये इंसाफ में सबसे भयानक बात है कि अगर कौन देखते वक्त आपकी रुख अक्स करने मौत का फरिश्ता आ गया तो सोचिए किस कदर अफसोस रहेगा आप लोगों को। रुख निकलते वक्त अफसोस रहेगा, कब्र अंदर अफसोस रहेगा, आखिरत के दिन अफसोस रहेगा, और जो मौत के वक्त जिस अमाल में रहेगा उस कयामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। तो ज़रा सोचिए किस हाल में उठाने वाले हैं कौन देखने वाले लोग। अल्लाह ताला मर्द और औरत को कुरान में निगाह नीचे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत के लिए कहता है, मतलब कि कौन और दूसरी फहाशी चीज़ों की तरह देखने से मना करता है। फ़ोन और कंप्यूटर में कहीं से भी इस तरह का फितना आए तो उसे बंद करें और अपनी नज़रों को बचाएं, हराम चीज़ों से दूर रहें, पूरे ख्यालों को काबू करें, इसके एडिक्शन से बचने के लिए रोज़ा रखें, नेक लोगों में रहें, हमेशा पाक साफ और बावजू रहें। अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम के ऐसे बड़े कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।